हेलो एस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अगर आप भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय, तो आपको आरबीआई की जो न्यू गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने ये जो न्यू गाइडलाइंस है उनको जारी करने की वजह बताई है कि ऑनलाइन फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर अमेजन मान लो जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करके जब आप शॉपिंग करते हैं तो वहां पर जितने भी प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले, तो वो आपके कार्ड को सेव कर लेते हैं, जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। और जब कभी भी किसी साइट का डेटा लीक हो जाता है तो वहां से आपका जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवी वगैरह है, वो भी वहां से स्टील कर लिया जाता है। तो इसी वजह से आरबीआई जो कि 31 दिसंबर 2021 के बाद लागू कर दी जाएगी, इस गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज जहां भी आपने किया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में और कार्ड को सेव कर रखा है, तो वहां से 31 दिसंबर 2021 के बाद रिमूव कर दिया जाएगा और आपसे परमिशन ली जाएगी क्या आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने कार्ड को सेव करना चाहते हैं। अगर आप उस पर परमिशन देते हैं कार्ड को सेव करने के लिए, तो आप न्यू फॉर्म में कार्ड को सेव किया जाएगा जो कि टोकनाइजेशन फॉर्म है, जहां पर जब आप कार्ड को परमिशन दे देंगे कि आप मेरे कार्ड को सेव कर लीजिए उस प्लेटफॉर्म को, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर टोकनाइजेशन फॉर्म में आपको कार्ड को सेव किया जाएगा, जिस पे कि आपकी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपका जो डेटा है उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अलग लैंग्वेज में, जिससे कि आपका डेटा अगर चोरी भी होता है तो उसको कोई मतलब रीड नहीं कर पाएगा। और इससे आपका ये बेनिफिट है कि आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होगा अगर आपका सेव्ड कार्ड से आपका नंबर या सीवीवी चोरी हो जाता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।